Hello, welcome friends. Our daily series, Importance of the Day. Today is 26 July 2022. As you know, this series is important for UPSC, UPSSSC, UPPCS, SSC, Banking, Defense and Teaching exams also. So let's begin. Our first history event is, happened in 1876. क्या हुआ था? 1876 में, ठीक है? कब डेट है हमारी आज की डेट जो है? Happened in 1876. क्या हुआ था? The Indian Association was founded. आज ही के दिन जो Indian Association थी, ये संस्था है, वो आज के दिन found हुई थी, ठीक है? आज ही के दिन established हुई थी, उसकी नींव रखी गई थी. क्या है इससे related fact? The first old nationalist organization. ये कैसी organization है? तो nationalist organization है, मतलब राष्ट्रवादी संस्था है. तो ये जो अवार्ड लिखा हुआ है, इसके मीन्स होता है एक्सेप्ट. तो आज ही के दिन ये स्वीकार की गई थी, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज ही के दिन स्वीकार की गई थी. फाउंडेड इन ब्रिटिश इंडिया, जो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम क्या हुई थी, फाउंड हुई थी बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी. किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस. तो इन दो भारतीयों के द्वारा फाउंड हुई थी. कब हुई थी? तो 1876 1876 में ये फाउंड की गई थी. नेक्स्ट जो है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था प्रमोटिंग बाय एवरी लेजिटिमेट मींस द पॉलिटिकल. तो क्या था? प्रमोट करना था लोगों के जो वैध राजनीतिक अधिकार वगैरह थे, उनको क्या करना था? प्रमोट करना था, ठीक है. इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल, और लोगों के बौद्धिक विकास को भी बढ़ाना इसका उद्देश्य था. किसका? किस संस्था का? तो इंडियन एसोसिएशन का. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है फैक्ट, वो है प्रियर टू द इंडियन एसोसिएशन. प्रियर मीन्स होता है बिफोर. क्या होता है? बिफोर होता है, मतलब इंडियन एसोसिएशन से पहले शिशिर कुमार घोष अलोंग विद शंभु चरण मुखर्जी. कौन दो भारतीय हैं? तो शिशिर कुमार घोष पहले, और दूसरे कौन है? तो शंभु चरण मुखर्जी. तो इन दोनों लोगों ने इंडियन एसोसिएशन से पहले द इंडियन लीग नामक जो संस्था है वो फाउंड की थी. कहाँ की थी? तो की थी कलकत्ता में. कब की थी? तो 25 सितंबर 1875 में की थी, ठीक है. बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्ट पे अपने. नेक्स्ट फैक्ट हमारा जो है, हैपेंड इन 1958. क्या हुआ था? अमेरिकन सैटेलाइट, कौन सी सैटेलाइट है? तो एक्सप्लोरर 4 वाज लॉन्च्ड. तो ये देख सकते हैं सैटेलाइट. तो ये जो एक्सप्लोरर 4 है वो आज ही के दिन, अमेरिका की ये सैटेलाइट है, तो आज ही के दिन वो लॉन्च हुई थी. क्या है इससे रिलेटेड फैक्ट? तो ए सिलेंड्रिकली शेप्ड. तो ये बेलनाकार आकृति की है सैटेलाइट. कैसी है? देख सकते हैं आप लोग, तो बेलनाकार आकृति की है सैटेलाइट. इंस्ट्रूमेंटेड टू मेक द फर्स्ट डिटेल्ड मेजरमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है. तो ये किसके लिए इंस्ट्रूमेंट की गई थी? तो जो ये पहली ऐसी डिटेल्ड मेजरमेंट मापने के लिए है जो चार्ज पार्टिकल्स, कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैप्ड इन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बेल्ट, जो ट्रैप्ड मतलब फंसे हुए थे इन द टेरेस्ट्रियल, मतलब स्थलीय विकिरण में की पेटियों में फंसे हुए थे. कौन? चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो उसी को मेजरमेंट करने के लिए, फर्स्ट डिटेल मेजरमेंट करने के लिए ये जो है लॉन्च किया गया था. देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना फैक्ट. हैपेंड इन 1997. क्या हुआ था 1997 को? तो 1997 को श्रीलंका ने एशिया कप जीता था. क्या जीता था? एशिया कप जीता था, जिसे हम लोग पेप्सी एशिया कप भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेप्सी एशिया कप बोलते हैं, ठीक है. तो हैपेंड इन 1997, श्रीलंका वन द एशिया कप और पेप्सी एशिया कप. क्या है इसका रिलेटेड फैक्ट? तो इससे रिलेटेड फैक्ट जो है वो है 4 टीम्स टू पार्ट इन द टूर्नामेंट, और जब ये जीता था तो उसमें चार जो टीम्स हैं वो भाग ले रही थी. कहां कहां की? तो इंडिया की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की और बांग्लादेश की, ठीक है. तो 4 टीम्स आर पार्टिसिपेटेड इन दिस टूर्नामेंट. तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? द एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप इज अ मेंस वन डे इंटरनेशनल. जो इंडियन द एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप जो है वो क्या है? पुरुषों का वन डे इंटरनेशनल, ठीक है, एंड 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है. क्या है? तो एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और 2020
इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है। इट वॉज एस्टेब्लिश, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था, जब द एशियन क्रिकेट काउंसिल वॉज फाउंडेड, ठीक है, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो फाउंड हुई थी, उसकी नींव रखी गई थी, एज अ मेजर टू प्रमोट गुडविल बिटवीन एशियन कंट्रीज, और किस लिए फाउंड की गई थी, तो गुडविल बनाने के लिए, एशियन कंट्रीज के बीच गुडविल बनाने के लिए ये फाउंड की गई थी। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ, तो कोलंबो में है, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर किसका, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, कोलंबो श्रीलंका में है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्ट, हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, हैपेंड एवरी ईयर 26 जुलाई, तो 26 जुलाई को क्या है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है हर वर्ष कारगिल विजय दिवस, क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, हम लोग सैनिकों को याद करते हैं इस दिन। तो इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है, ब्रोक आउट इन मे 1999, क्या हुआ था, ये मई 1919 में शुरुआत हुई थी इसकी, कंटिन्यूड फॉर 60 डेज, ये 60 दिनों तक जो है कारगिल वार जो है वो चला था, अप अंटिल 26 जुलाई व्हेन द वार वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ओवर, और 26 जुलाई को ये जो वार है वो ऑफिशियली रूप से क्या कर दिया गया था, ओवर कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। और इससे रिलेटेड फैक्ट है, ऑन द 14 जुलाई द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एबी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जो है, अनाउंस दैट ऑपरेशन विजय, तो कब, 14 जुलाई को अनाउंस किया था अटल बिहारी वाजपेयी, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ के रह चुके हैं, तो उन्होंने ऑपरेशन विजय जो है वो अनाउंस किया था, ये कोड नेम था, किसका था, कारगिल वार का ये कोड नेम था, और ये डिक्लेयर कर दिया था 14 जुलाई को कि जो ऑपरेशन विजय जो चल रहा था वो सक्सेस हो गया है, ठीक है। तो आज के दिन हम लोगों को कारगिल में जितने भी जवान शहीद हुए उन सभी लोगों को याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारा, हु वर द फाउंडर्स ऑफ इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन के जो फाउंडर्स थे वो कौन थे वो आपको बताना है। Which organization was founded by Sisir Kumar Ghosh in 1878 at Calcutta? तो कलकत्ता में 1875 में सिसिर कुमार घोष द्वारा कौन सी ऐसी संस्था है जो फाउंड की गई थी। When was the American Satellite Explorer 4 launched? और जो American Satellite Explorer जो है वो कब लॉन्च की गई थी। Who had won the 1997 Asia Cup? तो 1997 का एशिया कप किस देश ने जीता था ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशिया क्रिकेट काउंसिल, तो एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन इज द कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व, तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें दे दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग फिर नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, मिलते हैं हम लोग, जय हिंद जय भारत।